दोस्तों व्हाट्सएप का उपयोग आप सभी जरूर करते होंगे। शायद ही स्मार्टफोन यूज़ करने वाला कोई ऐसा बंदा हो जो व्हाट्सएप का यूज़ ना करता हो। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप की कुछ ऐसी सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं जो कि हर मोबाइल में हिडन होती हैं, छिपी हुई होती हैं, और बहुत सारे लोगों को उन ट्रिक्स के बारे में पता ही नहीं होता है। आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप का काम सिर्फ इतना है कि सिर्फ किसी को मैसेज कर देना, चैट कर लेना, फ़ोटो भेज देना, लेकिन नहीं दोस्तों, जब आप इन ट्रिक्स को जान जाएंगे फिर आप देखेंगे कि व्हाट्सएप चलाने का एक्सपीरियंस आपका कई गुना करने वाला है और आपको व्हाट्सएप चलाते समय काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके व्हाट्सएप की चार ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा काम की हो सकती हैं। ओके दोस्तों, और जो चौथे नंबर पर ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक के बारे में तो आपको 100% यकीन मानिए जरूर पता होना चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं किसी से, तो उस ट्रिक को तो आपको जरूर देख के जाना क्योंकि वो ट्रिक आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और समझना, जो कि जो हम चार ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर पहली बार चैनल पर आए वीडियो देख रहे हैं तो इस लाल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना व्हाट्सएप ट्रिक। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप की बिल्कुल नई ट्रिक सीख सकें और उसका उपयोग कर सकें। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप हम व्हाट्सएप की जो चार ट्रिक बताने वाले हैं, ये चारों ट्रिक एक से बढ़कर एक हैं और ये चारों ट्रिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VIP होने वाली हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहली ट्रिक की। तो दोस्तों पहली ट्रिक में मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों से चैट करते हैं, बहुत सारी प्राइवेट चैट होती हैं या फिर बहुत सारे आप ग्रुप में ऐड होते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपका फ़ोन ले ले और आपके वो चैट पढ़ ले, और आप उन चैट्स को जो है डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो फ़ोन लेता है तो आपकी चैट को बहुत ही आसानी से वो पढ़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप चाहें तो सारी चैट्स को हटा सकते हैं और आप जब चाहें तब उन चैट्स को वापस भी अपने फ़ोन में ला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक कर देना, और 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। अब दोस्तों आप जब सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चैट्स का। तो आप जैसे चैट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चैट हिस्ट्री का। अब यहाँ से आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सेकंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आर्काइव ऑल चैट्स, आर्काइव ऑल चैट्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आपकी सारी चैट जो है डिलीट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको व्हाट्सएप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चैट देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अगर आपको किसी का व्हाट्सएप देना है तो इस तरीके से आप अपनी चैट को हाइड करके उसे व्हाट्सएप दे सकते हैं और कोई भी चैट नहीं पढ़ पाएगा। फिर वापस लाने के लिए आपको एक बार फिर से सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको चैट्स पर जाना है, और फिर से आपको चैट हिस्ट्री में जाना है। उसके बाद अनआर्काइव ऑल चैट्स पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की सारी चैट्स जो है यहाँ पर आ जाएंगी। तो दोस्तों है ना कितनी कमाल की ट्रिक, व्हाट्सएप यूज करते समय आपको इस ट्रिक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, कभी ना कभी इन फ्यूचर ये ट्रिक आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप की अपनी दूसरी ट्रिक की। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप अपना व्हाट्सएप डिलीट करना चाहते हैं, ऐसे में ज़्यादातर 99.9% लोग यही करते हैं कि अपने व्हाट्सएप को यहाँ पर जाकर अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने व्हाट्सएप को बिना अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल किए हुए व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना एक फ्रेश अकाउंट बना सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा VIP है। तो आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। आप जब सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अकाउंट का, तो अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिलीट माई अकाउंट का। अब दोस्तों यहां पर आप जैसे डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद आपको अपना अकाउंट डिलीट कर देना है। तो ऐसे में आपको अपना फोन से व्हाट्सएप इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा और आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और आप यहां से एक नया अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आपकी व्हाट्सएप यूज़ करते समय काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, और आपको इस ट्रिक को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप की तीसरी ट्रिक की। तो तीसरी ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VIP है। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों से
चैट्स कर सकते हैं, करते हैं। हमारे फ़ोन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर चैट करते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि अक्सर कभी कभी हम लोगों को अपना नंबर चेंज करना पड़ जाता है, या बहुत सारे लोग समय समय पर कुछ दिन के बाद नंबर चेंज किया ही करते हैं, ऐसी कुछ लोगों की आदत होती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन में 500 व्हाट्सएप नंबर सेव हैं और आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं, तो अगर आप नंबर चेंज करते हैं तो आप किस किस को फ़ोन करके बताएंगे कि भैया मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये अब बदल गया है, चेंज हो गया है? ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज इस व्हाट्सएप की एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं और किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आप उस नए नंबर से कनेक्ट हो जाएंगे उसे पुराने अकाउंट पर। तो दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक बार फिर से अपने 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अकाउंट में चले जाना है और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चेंज नंबर का। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आप जिस फर्स्ट नंबर पर आप जिस नंबर से अपना व्हाट्सएप चला रहे थे यहाँ पर वो नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ से आपको अपना नीचे नया नंबर डाल देना, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका नंबर चेंज हो जाएगा और आपको किसी को भी नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका नया व्हाट्सएप नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप नंबर बदलते हैं, इन फ्यूचर व्हाट्सएप का नंबर हो सकता है कभी न कभी बदलेंगे तो आपको ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप की नंबर 4 की ट्रिक की। तो नंबर 4 की ट्रिक, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि उस ट्रिक के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप कि कोई GF है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप किसी से बहुत प्राइवेट चैट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी चैट लीक ना हो, आपकी चैट हैक ना हो, कोई भी आपके सिवा आपकी चैट को ना पढ़ पाए, ना देख पाए, उसका मिसयूज ना हो, तो WhatsApp में एक ऐसा फीचर ऐड हो चुका है जिससे आप अपनी चैट को बहुत ही सिक्योर कर सकते हैं और कभी भी आपकी WhatsApp चैट हैक नहीं होगी या फिर आप उसे बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले WhatsApp ओपन कर लेना और जिसके साथ भी आप चैट करते हैं आपको उसकी प्रोफाइल पर इस तरीके से टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आई बटन देखने को मिल जाएगा, तो इस आई बटन पर आपको क्लिक कर देना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इनक्रिप्शन का। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपको एक बार कोड देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको बार कोड आने के बाद आपको उस बंदे का मोबाइल ले लेना है, फिर चाहे वो आप जिसका भी आप करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपकी GF हो या BF हो, कोई भी हो, फिर यहाँ से आपको स्कैन कोड पर सेलेक्ट करके इस बार कोड को जो है इस तरीके से स्कैन कर लेना है और यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ये दोनों फ़ोन में अगर आपके एक सेम नंबर आ जाते हैं स्कैन करने के बाद, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपकी चैट जो है बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं पर हैक नहीं है। और इसे स्कैन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका चैट हो या फ़ोन पर वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप पर या फिर व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो, तो सभी कुछ बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा और कोई भी आप दोनों के अलावा उस चैट को या फिर उस कॉल पर जो आप बात करते हैं कोई तीसरा आदमी नहीं सुन पाएगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप की ये 4 ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ये चारों ट्रिक हर मोड़ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है व्हाट्सएप यूज करते समय। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन बाय।